हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करबा आपनकर ओ ट्रिपल एससी रो जो एग्जाम हेतिला 2021 मसिया रे आपनकर एग्जाम हेतिला। एग्जाम टी हेतिला आपनकर लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर जो आपनकर एग्जाम हेतिला। तारो वर्तमान पे आमे जनरल नॉलेज रो 20 टी क्वेश्चन को आमे वर्तमान पे डिटेल भाबर तक एनालिसिस करबा। तो आपने जानते ये आप 2023 मसीहाई आपणकर लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर आपणकर फॉरेस्ट गार्ड रो गोटे कंबाइंड एग्जाम हवाप जाऊँगी आपणकर ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रु। तो से जो सेशन टी आपण मैं बहुत इम्पोर्टेंट रहा। तो चलो देखा क्वेश्चन को टाइप आसी देखो। ये क्वेश्चन नंबर 51 अच्छे। हुईज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन द टर्म ऑफ एरिया। क्वेश्चन पचारा निम्नलिखित मध्य ओडिशा के जिला क्षेत्रफल अनुसार सबुठ बड़। तो आपण मैंने जानते आपणकर ऑप्शन बी रे जो अच्छे आप मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आपणकर ओडिशा मानने सबुठ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बोलिकी कहते क्षेत्रफल हिसाब से सबुठ बड़ हो मयूरभंज जहा आपण माने पाइबे 10,418 स्क्वायर किलोमीटर। जहाँ आपण माने पाइबे एरिया 10,418 स्क्वायर किलोमीटर। बुझीला चलन जीवा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहिजे हु इज द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय। आपण माने जानिथिबे सत्यवादी वन विद्यालय तो तहार फाउंडर वहार क्वेश्चन पचार प्रतिष्ठाता किए क्या द्वारा आप सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता होता। तो आपंकर करेक्ट आंसर आज आपंकर गोपबंधु दास। ऑप्शन डी आपंकर करेक्ट आंसर हो जाकि गोपबंधु दास द्वारा आपणकर सत्यवादी वन विद्यालय 1909 मसीह प्रतिष्ठाता बुझेगा। आपंकर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गोपबंधु दास। देन क्वेश्चन नंबर 53। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। कहला आपनकर नेशनल वोटर्स डे को डेट रे सेलिब्रेट करा जाए। तो नेशनल वोटर्स डे आपनकर 25 जनवरी। 25 जनवरी रे आपण माने नेशनल वोटर्स डे आमे माने सेलिब्रेट करथान। तो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हे जेबो। बुझिला फ्रेंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 54। व्हिच इंडियन ओलंपियंस ऑटोबायोग्राफी इज अनब्रेकेबल। कहला हमर को इंडियन ओलंपियन अछि जहाँ कि तार गोटे ऑटोबायोग्राफी अछि अनब्रेकेबल से हमर ऑप्शन सी मेरी कम। मेरी कम से गोटे बुक लिखिथिले जहाँ बुक रो नाम होछि आपनकर अनब्रेकेबल ताकु तांकर ऑटोबायोग्राफी नोबेल बोलि कि कोन से मध्य आउ जो तंगर को राइटर थिले से अछंती अपन कर अपन मन जानि थन तो दिना सेरोटो। दिना सेरोटो ए दुई जण मिसी से गोटे बुक लिखे थिले जार ना थिले अपन कर अनब्रेकेबल। देन क्वेश्चन नंबर 55 देखिवा। क्वेश्चन नंबर 55 कहि छे हाउ मेनी इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पचला भारतीय संविधान रा जरूरीकालीन परिस्थिति संक्रांत रे केतोटी व्यवस्था रही। तो आपण माने जानिथिबे आ आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर तीन प्रकार रा इमरजेंसी अछि। तो तीन प्रकार इमरजेंसी को कोन कोन एट जानंतु। तो फर्स्ट हला आपण कर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी देन आपण कर आसीबो कॉन्स्टिट्यूशनल। आमे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी देन आपण को आसे फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ये कही रखी ये आपण जो रहा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपण 352 आर्टिकल 352 रे आसीबो। आर्टिकल 352 अंडर रे आसी जीव आपण नेशनल इमरजेंसी। देन आपण कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आसीबो 356 356 अंडर रे।
ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିବ 360, 360 ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 56 କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 56 କହିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ସିଟି ଅଫ୍ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ତ ନିକଟରେ ଗୁଜରାଟର କେଉଁ ସହର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଭାବରେ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହାସିକ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ତ ସେ ସହରଟି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ସରି ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଢୋଲଭିରା, ଢୋଲଭିରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କେତୋଟି ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 57, ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସରେଣ୍ଡର୍ଡ ବାଇ ଦ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କହିଲା, ଯେଉଁ ଭୂମିଖଣ୍ଡର ତିନି ପାଖ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନୁନସୁଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ପେନୁନସୁଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 58, ହୁ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପୋଜର ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ବା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମର ଲେଖିଥିଲେ କିଏ, କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କେବେ? ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏହାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 24 ଜାନୁଆରୀ, 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ, 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏହାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗକୁ, ସରି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 59 ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 59 କହିଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ରିମୁଭ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଫିସ୍? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସେ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 60, ହୁ ଆର୍ ଦ ଟୁ ସିଲଭର ମେଡାଲ ୱିନର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2022, ସରି 2020? କହିଲା, କିଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ସ ଯିଏ ସେ ସିଲଭର ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୀରାବାଇ ଛାନୁ ଏବଂ ରବି କୁମାର ଦାହିଆ। ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 61, ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମିସାଇଲ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ ଆକାଶ ମିସାଇଲ ଆକାଶ NG-4 କୁହନ୍ତି? ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ, ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ, ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 62, ହ୍ୱିଚ୍ ଭାଇରସ କଜେସ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ? ହେଲେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ କୋଉ ଭାଇରସ, ମାନେ କୋଉ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ସେ ଭାଇରସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର H5N1, ଅପସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, H5N1। ଏଇ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 63, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ହେଲେ କାହାକୁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାଦର ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଭର୍ଗିଜ କୁରିଏନ, ଡକ୍ଟର ଭର୍ଗିଜ କୁରିଏନ, ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 64, MSP ରିଲେଟିଂ ଟୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼ ଗ୍ରେନ୍ସ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ? ତ ଆପଣଙ୍କର MSP ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 58, ଡିପିଟି ଡିପିଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ? ଡିପିଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଡିପ୍ଥୋରିଆ, ଡିପ୍ଥୋରିଆ
पर्टुसिस टिटानस, डिप्थोरिया पर्टुसिस टिटानस कहते आपण डीपीटी को। देन क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ओडिया राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ए जो ऑप्शन अच्छे, फर्स्ट किए से ओडिया राइटर जहाँ को ज्ञानपीठ अवार्ड सम्मानित कराइला, तो ये कही रखुच्छे। तो आपणकर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गोपीनाथ महांती, जेकि से फर्स्ट ओडिया राइटर से आपणकर ज्ञानपीठ अवार्ड जीति 1973 1973 मसीह से आपणकर ज्ञानपीठ अवार्ड जीति। आउ ये आपणकर अच्छी सीताकांता महापात्र, आपण सीताकांता महापात्र से आप 1993 ज्ञानपीठ अवार्ड जीति। देन आपणकर सच्चिदानंद राउतराय, सच्चिदानंद राउतराय से आपणकर 1986 ज्ञानपीठ अवार्ड जीति। आपणकर प्रतिभा रॉय से आपणकर 2011 मसीह ज्ञानपीठ अवार्ड जीति, मन रखिबे। देन क्वेश्चन नंबर 67 देखिबा, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ ओडिशा। आपणकर देवमाली को हाईएस्ट माउंटेन पिक बोली कहंती, आपणकर जोटि पाइबे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे। देन चलन जीवा क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68, बरहीपाणी वाटरफॉल कम्स अंडर व्हिच नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बरहीपाणी नेशनल पार्क आपणकर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जीव सिमिलपाल नेशनल पार्क अंडर रे आसुचे आपणकर बरहीपाणी नेशनल पार्क। देन क्वेश्चन नंबर 69, सुनामी इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सुनामी आपणकर अर्थक्वेक कारण सुनामी आसी थे। देन क्वेश्चन नंबर 70 जोटा कि आप लास्ट क्वेश्चन अच्छे, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो आपणकर सबुठ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आपणकर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी आपणकर करेक्ट आंसर है, जीव बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपणकर ओडिशार भातहांडी बोली मध्ये कहंती, बुझेला ना। तो आपणकर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जो। तो फ्रेंड्स आपण मानको एती कहिबी तो एग्जाम आपणकर बेटर हबो, तो सेथि पई आपण माने प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन टिका प्रैक्टिस करत।